क्या हो गया? अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हम सब खैरियत से हैं, आपकी खैरियत नेक मतलूब है। ये हम खत थोड़ी दिख रहे हैं। और जी शुरुआत हुई है हमारी अर्शिया की बातों से। जो कुछ कह रही थी हमें कुछ समझ नहीं आया। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ किचन का मेस। एक तरफ मूली के पराठे चल रहे हैं और दूसरी तरफ बिरयानी की तैयारी चल रही है। सुबह सुबह नाश्ते के टाइम तो वैसे मेस होता ही है, ये तो नॉर्मल बात है कि सुबह के टाइम नाश्ता करेंगे। बहुत सब हड़बड़ी मची होती है, सबको सबने नाश्ता करना होता है, बहुत सारी चीज़ें। लोग कहेंगे हाँ जी ये तो अपने शोर से बनवाती, इतनी डिटेल शोर का पता है। और यहाँ पर बर्थडे की ये तैयारी चलने लगी है, अभी स्टार्ट होने लगी है। छोटी सिस्टर बना रही थी बिरयानी, उसके हस्बैंड को बहुत पसंद है। वैसे किसको बिरयानी नहीं पसंद होती, मुझे बताइएगा। तो इधर आई थी मैं अपने बच्चों को देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। तैयारी चल रही भी साथ साथ चल रही है ना बर्थडे की, उनके बच्चों के कपड़ों की। ये अब्दुल्ला का ड्रेस है ना मेरे ख्याल से? जी अब्दुल्ला का है जी। और नीचे वाला इब्राहिम का है। और ये पैंट्स हैं बच्चों की जो मैंने आयरन करके डन करके रख दी। अच्छा ये मेरे जो डोर के सामने पड़ा हुआ है इसकी ना स्टेन जो है ना उसके उस पर स्टूल क्या कहा जाता है स्टूल को, उसके स्टेन्स को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, वो भी क्लीन होने वाला था। और यहाँ पे ये छोटी सिस्टर का ड्रेस था जो कि वो ख़ुद कभी भी उसकी सिलेक्ट नहीं करती ज्वेलरी, ये मैं सिलेक्ट कर रही थी। ड्रेस भी उसका मैंने सिलेक्ट किया था और ये उसके इयररिंग्स थे। और भी तो बताओ क्या क्या बर्थडे की और क्या क्या हमने तैयारी किया। तो ये तो ड्रेस हो गया चलो, और ये और बहुत सारी तैयारियाँ थी। सारा पीछे से वो सेटअप रेडी करना था, खाना खाना था मेन का। और निवन ये देखे सबसे अच्छी चीज़ तो ये मेरा ड्रेस। औरतों का तो होता ही ड्रेस का ज़्यादातर, बस ये मसला कि हमने आज यहाँ ये काम करना है तो उसके लिए कौन सा बर्थ, कहीं जाना है तो कौन सा ड्रेस पहनना है। पूरी कब्बड़ भरी हो तो फिर भी ड्रेस होता ही नहीं है पहनने के लिए। ओए ओए, निवान को मौका मिल गया, निवान को मौका मिल गया मेरे ड्रेसेस को लताड़ने का। तो सही बात है, मेरे ख्याल में तो ये सारे हस्बैंड इससे एग्री करेंगे। ये कमेंट करके लाजमी बताना है। हम औरतें बेचारी होती हैं, हमारे पास कपड़े नहीं होते कहीं जाने के लिए। हाँ वो अलग बात है कि वो भाई फिर रखने के लिए जगह ना हो। और ये मुझे बड़ी प्यारी अपनी, ये मैंने बड़ा एकदम से ऑनलाइन मेरी नज़रों से गुजरा, मैंने बस फ़ौरन से इसको ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद मैं नुमान को बताती हूँ, नुमान मैंने ना ऑर्डर कर दिए। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और उसने बड़ा टेलर ने बड़े अच्छे तरीके से जानदार तरीके से इसको सिया। छोटा सा ये बटन बड़ा अच्छा सा, बिल्कुल ब्लैक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं कुछ फुल ब्लैक नहीं चाह रही थी इसके ऊपर। तो उसने बड़ी इसके अंदर करके बटन बड़ा प्यारा सा लगाया। और ये साथ उसके ट्राउज़र था। बच्चों के कपड़े तो दिखाओ अभी, बच्चों के कौन से कपड़े सेलेक्ट किए थे हम लोगों ने उसके लिए? नहीं ये बच्चों के कपड़े नुमान ये सिलेक्ट नहीं है, ये तो हमें बर्थडे पे जो हमें रिटर्न गुडी बैग्स मिलते हैं ना, तो ये छोटी सिस्टर ने कहा कि गुडी बैग्स नहीं, ये उसने उनको एज अ गुडी बैग गुड्डा बैग दे दिया था। ये उसने रिटर्न में गिफ्ट दिए थे, रिटर्न गिफ्ट मिले थे। अच्छा, और हमने क्या दिया नुमान? पता नहीं, याद ही नहीं है। क्या दिया? जिसको जाने हमने क्या दिया वो कमेंट्स में बताए हमें। और ये बर्थडे गर्ल का ड्रेस है, ये कितना प्यारा। हमारी हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं नुमान, सीधी सादी। पहली बात तो कोई बर्थडे होती नहीं थी ऐसी, इतनी लश लश वाली। ये शूज है कितने प्यारे, छोटी सी ये प्रिंसेस फ्रॉक और ये सब चीज़ें। बिरयानी तो रेडी हो गई, बिरयानी रेडी हो गई। जिसको इसकी रेसिपी चाहिए वो लास्ट में मुझे बताए, मैं इंशाल्लाह ये छोटी सिस्टर ने बनाई है तो फिर मैं उसे कह करना आप लोगों के लिए स्पेशली उसकी रेसिपी की वो वीडियो मैं बनवाऊँगी। और यहाँ पर इसके ये बाबा आए थे अर्शिया के, ये अर्शिया के बाबा बैलून सारे भाई रेडी कर रहे थे, अपनी बेटी की बर्थडे करनी थी भाई। तो बर्थडे कर करके हमने मशीन घर में ही खरीद लिया, हमने कहा ये बलून फुला फुला के फेफड़ों का सत्यानाश हो जाता है तो घर में ही कर लें, घर में वही ले लें बलून की मशीन। वो हमने बल्कि अमेजोन वालों को भला किया अपने फेफड़ों का तो जो किया किया। अरे यहाँ ये तैयारी थी। और यहाँ पे जी बर्थडे गर्ल होगी रेडी। अच्छा बर्थडे गर्ल थोड़ी देर के बाद अपनी जुल्फे बिखेर लेती थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने और छोटी सिस्टर ने इसको रखा, काबू किया और कि भई ये बर्थडे तक इसके बाल ना बिखरे।
और यहाँ मेरे बच्चे फुल रेडी माशाल्लाह हो गए थे, इब्राहिम है। बच्चे तो एक्साइटेड हो जाते हैं बर्थडे किसी की भी हो, सारे बच्चे ऐसे रेडी होते हैं जैसे सबकी अपनी बर्थडे, एक्साइटेड सारे बैठे हों। केक कट किया, असल में था ना सबको कि केक कट करने के लिए। हम यही कह रहे थे अर्शिया को भी सब जो है ना बर्थडे का केक काटने, अर्शिया भी बैठी बैठी असल में थक गई थी और अर्शिया का मूड कोई नहीं था। अर्शिया का भी मूड नहीं था, अर्शिया तो अभी वो प्रिंसेस बन के बैठी हुई थी ना, स्पेशल डे था उसका तो स्पेशल अटेंशन मिल रही थी, बच्चे तो इस बात पे खुश हो जाते हैं। मैं इसे कैंडल्स दूर कर रही थी। अच्छा वो सारी नुमार हमने बैक में जो सारी की है वो तो उसको तो दिखाया ही नहीं हमने, हमने वीडियो बनाई नहीं, हम बड़ी खूबसूरत वीडियो बनाई है। हमें बस खाने का और क्या था। अब सब ने मेरे बच्चों ने भी तो करनी थी ना, अब हम बाकी जी बाकी की वीडियो जो है ना हम वो फिर किसी टाइम में अपलोड करेंगे, अभी इस टाइम में इतना ही, उसके बाद में बस केक के बाद में हम लोगों ने खाना खाया, इसकी हमने वीडियो नहीं बनाई, इसकी हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम बिजी हो गए थे खाना खाने में। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।